हेलो स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अन अकेडमी चैनल नीट यू जी इंटर। इस चैनल की खासियत ये है, विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताया जाता है, इवन न्यूमेरिकल के साथ मैं आपका कंसेप्ट आपको बताऊंगा और डाउट क्लियर करूंगा। अच्छा, मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऑलमोस्ट 6+ ईयर से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा पढ़ाया, आकाश न्यू साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अन अकेडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अच्छा, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है आपको, कि गूगल प्ले स्टोर में जाना है, अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। अब इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है, आप क्लासेस के दौरान कमेंट सेक्शन में जाके आप डाउट पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे ताकि आपको सब्जेक्ट अच्छे से और क्लियर हो। स्ट्रक्चर कोर्सेस का मतलब सिलेबस आपके सिलसिलेवार ढंग से खत्म हो गया। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब बच्चों, आपने मान लो 12 या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आप उस दौरान जितने भी लाइव क्लासेस होगी वो रिकॉर्डेड होगी, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। अब इसके चार्जेस के बारे में बात करते हैं, तो 1 मंथ का चार्ज है 5,400, 3 मंथ्स का है 4,500, और 6 मंथ का कितना है 3,600, 12 मंथ्स का देखिए 2,250, और 24 मंथ्स का है बच्चों 1,350। तो 12 और 24 मंथ्स का देखते हैं चार्जेस, आपको बहुत कम है बाकी के कंपेयर, और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा 1 और 3 मंथ्स के कंपेयर में। और इसका क्या कीजिएगा, आदित्य कूपन कोड, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा, आपको 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब बच्चों, जो है सेंटर ऑफ मास, वो गलती से लिखा हुआ था एप्लीकेशन। हम शुरू करते हैं सेंटर ऑफ मास आज से। सेंटर ऑफ मास होता है क्या, समझिएगा। मान लीजिए 10 पार्टिकल का सिस्टम, पहले सुनते हैं, कुछ बातें बताता हूँ मैं। मान लीजिए कोई इरेगुलर शेप है ना, वो मोशन में चल रहा है, तो मोशन में चल रहा है, मोशन में जा रहा है, या कोई अपने स्टोन को, कोई एक बॉल को आपने प्रोजेक्टाइल किया तो वो रोटेट करता रहता है ना, उसका जो सरफेस है वो चलो कभी वो अप होता है, कभी डाउन हो जाता है, बट एक पॉइंट रहता है जो जो वो हमेशा एक ही पाथ ट्रेवल करता है, वो प्रोजेक्टाइल करता है। इसका मैं एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ आपको, देखिए इधर। देखिएगा यहाँ पे अच्छे समझिएगा, सेंटर ऑफ मास का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मान लीजिए बच्चों, हाँ, एक स्टोन, मान लीजिए ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये बीच का पॉइंट 3 है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए ये सिर्फ इस तरह रोटेट भी तो करेगा ना, मान लीजिए 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, पॉइंट 3 अभी भी वहीं पे है, फिर मान लीजिए 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, अभी भी 3, ठीक है ना, इस तरह से बताइए। तो 1 का जो पाथ है देखिए, तो इस तरह से है, 2 का भी पाथ इस तरह से, ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है कि नहीं। उसका जो एक मास है, जो सिस्टम का है, बॉल का जो एक पॉइंट है जहां पे हम क्या वो पॉइंट प्रोजेक्टाइल कर रहा है, ये पॉइंट, सो क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मतलब हम ये मानते हैं बॉडी का जो पूरा मास है एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, उसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो क्या है, वो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, हम इसको यूज करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे सिस्टम है, M1, M2, M3, M4, I5, एक सिस्टम है, उन सिस्टम का अलग अलग मास में एक कंबाइंड एक मास मानेंगे, उसको क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, मान लीजिए देखिए यहाँ पे M1 है, M2, M3, M4, M5, ठीक है, बहुत सारा सिस्टम है, आपको इस पॉइंट से इसका सेंटर ऑफ मास R1 निकालना है। जैसे यह कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी रहेगा, ये तो बहुत सारे थे छोटे छोटे टुकड़े डिस्क्रीट, ये क्या है कंटिन्यूअस है, तो एक यहाँ DM सेक्शन लेंगे, कंटिन्यूअस में हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं ना, आगे देखते हैं। तो दो तरीके का आएगा, पहले में जो RCM आएगा डिस्क्रीट सिस्टम में वो क्या होगा, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस M1 प्लस M2M3, ये हो गया, ये R है, ठीक है। इसका जो आप कोऑर्डिनेट लेते हैं, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर था RCM, ये XCM निकालना होगा क्या हुआ, इसी तरह यदि XCM निकालना होगा हम लिखते हैं M1X1 प्लस M2X2 प्लस M3X3 प्लस .. MN XN डिवाइड बाई टोटल मास, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, ये यही लिखा गया टोटल मास क्या कैपिटल M, ये समेशन है ना MI, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, समेशन ऑफ MX, ये I लिख दीजिए, ये भी I, और I कहाँ से 1 से N तक, ये समेशन का साइन होता है, ये लिखा गया। उसी तरह YCM भी होगा, उसी तरह ZCM होगा, ठीक है। अब कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी मैंने बताया बच्चों, एक पूरी बॉडी होगी कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी, उसमें क्या करेंगे एक छोटा सा स्मॉल सेक्शन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए ना, मास और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का है ना मल्टीप्लीकेशन सेम, यहाँ पर ये DM है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे टोटल मास से, RCM। उसी तरह XCM कितना
वन बाई एम इंटीग्रेशन एक्स डी एम, ये वाई सी एम का और ये जेड सी एम का, तीनों कोऑर्डिनेट का हमने देख लिया। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी ए का है 1 2, बी का कितना है बच्चों 4 6, और इसका है -3 -2। थ्री पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg यहाँ पे है, 2 kg है, यहाँ क्या है 3 mkg, और वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आर, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ इस सेंटर का कोऑर्डिनेट है 3 by 5 और 4 by 2, ये सेंटर ऑफ मास है, कैलकुलेट दैम। तो सेंटर ऑफ मास का बताइए, एक्स सी एम और वाई सी एम ये दो प्लेन में है ना, एक्स सी एम दे रखा है आपका, एक्स सी एम क्या होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 .. n, और ये टोटल मास, तो बताइए एक्स सी एम दे रखा है बच्चों 3 by 5। m कितना है यहाँ पे 1 kg है, 1 kg का है क्या है 1 by a का है 1.2, और b का क्या है 4 6, और आपका ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो एम वन हो गया आपका 1 kg, एक्स का 1 हो गया, एम टू कितना है 4 kg, 4 × 2 एक्स का है क्या है 4 kg, सॉरी 2 kg, सॉरी 2 kg, कोऑर्डिनेट इसका क्या है 4, अब प्लस तीसरा कोऑर्डिनेट एक्स का क्या है -3 × मास कितना है एम, वह टोटल मास मान लेंगे 1 + 2 + m। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा 3 by 5 1 + 8 -3 m डिवाइड बाई कितना 3 + m। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम, आपको 9 + 3 m क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 + 40 -15 m, m को इधर ले आइए, एम कितना 18 m, 45 - 9, तो बताइए 18 m इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 36, 36 / m, तो m इक्वल टू कितना 2 kg आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक कंटिन्यूस रिजिड बॉडी का एग्जांपल रॉड है, इसके बारे में देखते हैं बच्चों। यहाँ पे रॉड है, इसका लेंथ कितना है l, चलिए ये सेंटर, टोटल लेंथ इसका क्या है, टोटल लेंथ है एल। ठीक है, मैंने क्या है, ये कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी है तो आपको लीनियर मास डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, लेंथ इसका क्या है टोटल एल है, बताइए डी एम हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू डी एक्स, ये है आपका लीनियर मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट लेंथ, बताइए ये सेक्शन डी एक्स है तो ये मास पर यूनिट लेंथ का, तो टोटल डी एम की वैल्यू डी एक्स के बाद ये डी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी मास पर यूनिट लेंथ इंटू डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा देंगे 1 / m इंटीग्रेशन एक्स डी एम, बताइए कहाँ से कहाँ चले, मिनिमम 0 से ये एल, ये एक्स एक्स 0 से एल चल दिया, एक्स डी एम, डी एम की वैल्यू क्या रख दिया मैंने m बाई एल डी एक्स रख दिया। ठीक है ना, एक्स इंटीग्रेशन देखिएगा, इंटीग्रेशन तो एक्स है, ये क्या हो जाएगा m बाई एल बाहर, तो m से m कैंसिल, 1 x आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या x लिमिट रख दे, तो ये l बाई 2, मतलब किसी भी रॉड का, ध्यान से आप सुनिएगा, किसी भी रॉड का लेंथ एल है तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना एल बाई 2। बच्चों ये हम कंसीडर करते हैं ना, इसका जो विड्थ, इसका जो ये है विड्थ, ये लेंथ के कंपेयर में बहुत कम होता है, सिर्फ इसका लेंथ कंसीडर करते हैं, ये सेंटर ऑफ मास। हम नेक्स्ट क्लासेस में इसको कंटिन्यू करेंगे, तो क्या करना है आपको, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना, और मुझे फॉलो करते रहिए, मैं अब से सेंटर ऑफ मास, उसका रोटेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको पूरा कवर करूँगा। थैंक यू बच्चों।